दोस्तों, दुनिया में हर इंसान अलग होता है। कुछ लोग अपने हुनर से अलग होते हैं तो कुछ को कुदरत अलग बनाती है। जब आप दुनिया से अलग होते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार अलग होना दर्दनाक भी हो जाता है। जी हाँ, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिस दर्द को जी रहे हैं, फिर चाहे वो पीछे मुंह वाले क्लाउडियो वीरा हो या फिर पेट में पैर लेकर जीने वाले दीपक पासवान। आज अपनी इस वीडियो में हम आपको ऐसे बच्चों से मिलवाने वाले हैं जो करोड़ों में से एक है। चलिए शुरू करते हैं। दिदियर मोंटाल्वो। आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जिनकी बॉडी पर तिल होता है। कुछ लोगों पर यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोगों पर यह बहुत ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से ये अच्छे नहीं लगते। पर कोलंबिया के इस बच्चे को आप एक बार देखिए। इसका नाम दिदियर मोंटाल्वो है। डिडियर मोंटाल्वो जब 6 साल का था तब से ये फोड़ा इसके शरीर पर था, और देखते ही देखते ये इतना बड़ा हो गया कि इस फोड़े ने इस बच्चे के पूरे शरीर को ही ढंक दिया। इसीलिए इसका नाम भी टर्टल बॉय पड़ गया था। बता दें कि इसका दूसरे बच्चों की तरह जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। साथ ही इस बच्चे के शरीर में इससे काफी दर्द भी होता रहता था, और साथ ही इसके गांव वाले भी इसे हमेशा कोसते रहते थे। कहते थे कि इसका हाल काली शक्तियों की वजह से हुआ है। डिडियर के माता पिता काफी गरीब थे, इसीलिए इसका इलाज नहीं करा सकते थे। जब इस बच्चे की कहानी दुनिया भर में मशहूर हो गई तब इंसानियत को बचाने वाले लोगों ने इसकी मदद करने का फैसला लिया और इसके लिए डोनेशन भेजने लगे। लोगों की मदद से इस बच्चे की कोलंबिया के एक हॉस्पिटल में कामयाब सर्जरी हो गई, और आज ये बच्चा पूरी तरह से ठीक है और दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह ही अपनी जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन दुनिया आज भी इस बच्चे को टर्टल बॉय के नाम से ही जानती है। दीपक पासवान। चलिए अब कोलंबिया से अपने देश भारत की तरफ आते हैं और आपको मिलवाते हैं दीपक पासवान से। भारत के बिहार के एक छोटे से गांव बेलहारी में जन्म लेने वाले इस बच्चे के पेट में 8 अंग जुड़े हुए थे। दीपक की मां के मुताबिक उन्हें गर्भ में ही एहसास हो गया था कि उनकी कोख में जन्म लेने वाले बच्चे के साथ कुछ ऐसा होने वाला है। दीपक के जन्म के बाद कई लोग उसे हिंदू धर्म की देवी लक्ष्मी का रूप मान रहे थे, तो कुछ लोग इस बच्चे को शैतान का अवतार कह रहे थे। कुछ गांव वाले लोग दीपक के ऐसा पैदा होने का कारण चंद्र ग्रहण भी मानते थे। हालांकि दीपक अपने इन ऑर्गन्स को अपने बच्चे की तरह मानता था। जब दीपक के पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए तब डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन के लिए ज्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं। उसके बाद दीपक के पिता उसे घर ले आए। फिर जब ये बात फैली तो 2010 में बेंगलुरु के हॉस्पिटल की एक टीम दीपक का फ्री में ऑपरेशन करने को तैयार हो गई। बता दें कि इस ऑपरेशन में पूरे 2 घंटे लगे और आखिर में ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, और अब दीपक सभी नॉर्मल बच्चों की तरह ही हो गया है। क्लाउडियो वीरा। इस आदमी को ध्यान से देखिए, बस आप अपनी गर्दन को सीधा ही रखना। ब्राजील के इस आदमी का नाम है क्लाउडियो वीरा। 44 साल के क्लाउडियो का सर उल्टा होकर पीछे की तरफ लटका हुआ है, जिसकी वजह से काफी तकलीफ में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा इनके साथ अभी हुआ है, इनकी कंडीशन बचपन से ही है। जहाँ इनका सर इतना बड़ा और उल्टा है, वहीं इनके हाथ और पैर बेहद कमजोर और छोटे हैं। जब क्लाउडियो पैदा हुए तो डॉक्टर्स बेहद हैरान रह गए। उन्होंने बोल दिया कि बच्चा 24 घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन क्लाउडियो के हौसले और जज्बे ने मौत को मात दे दी। अब ये पिछले 44 सालों से बड़ी अजीब कंडीशन में होने के बावजूद भी जिंदा है। इनका कहना है कि इनकी जिंदगी इनके लिए बहुत अच्छी है और बाकी लोगों से अलग होना कोई अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। अब ये ना सिर्फ खुद को जीने का हौसला देते हैं बल्कि दुनिया को जिंदगी जीने का मतलब सिखाते हैं। बता दें कि आज एक प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं जो न सिर्फ ब्राजील में बल्कि पूरी दुनिया में जाकर मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। कुछ महीनों पहले इन्हें कोरोना वायरस भी हो गया था, पर जिसका ये अजीब कंडीशन कुछ नहीं कर सकी, उसका कोरोना क्या उखाड़ता, उसे भी मात देकर ये बिल्कुल ठीक है। जेसा इवांस। आयरलैंड में जन्म लेने वाली ये प्यारी सी बच्ची के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये बच्ची बिना नाक के पैदा हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये बच्ची जब पैदा हुई तो इसकी नाक नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला बिना नाक के कोई कैसे जिंदा रह सकता है, जबकि सांस लेने के लिए तो नाक जरूरी होती है। तो आपको बता दें कि इस बच्ची को जन्म से ही बोस्मा एरिनिया माइक्रोफ्थैल्मिया सिंड्रोम नाम की बीमारी है, जिसकी वजह से इसकी नाक नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसे 100 लोग ही मौजूद हैं। बता दें कि बच्ची किसी भी चीज को सूंघ नहीं सकती और सांस लेने के लिए से एक आर्टिफिशियल उपकरण का इस्तेमाल करना पड़ता है। और सिर्फ यही नहीं, इसकी आंखें भी बेहद कमजोर हैं, और साथ ही प्यूबर्टी के लिए भी इस बच्ची को अलग से हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। अब 3D टेक्नोलॉजी की मदद से डॉक्टर्स ने टेसा को नाक तो दे दी है, पर इसकी मदद से वो कुछ भी सूंघ नहीं सकती, क्योंकि उसके ब्रेन में स्मेल को जज करने वाले सेल्स ही नहीं है। वो कहती है कि बुरी बात है कि वो अच्छी खुशबू नहीं सूंघ सकती, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि वो बदबू भी नहीं सूंघ सकती। पॉजिटिव सोच रखने वाली ये बच्ची आज आम बच्चों की तरह खुशी से अपनी जिंदगी जी रही है। इस बच्ची के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है दोस्तों। जैक्सन ब्यूल। अमेरिका में पैदा होने वाला ये बच्चा दुनिया का सबसे अनोखा बच्चा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जैक्सन अपने दिमाग और खोपड़ी के आधे हिस्से के साथ पैदा हुआ है। उसका आधा हिस्सा उसके शरीर से गायब है, यानी कि उसके पास सिर्फ आधा दिमाग है। असल में इस बच्चे को माइक्रोहेंड्रेनसेफेली नाम की बीमारी है। जब जैक्सन पैदा हुआ था तो डॉक्टरों का कहना था कि बच्चा 3 से 4 दिन ही जिंदा रह पाएगा, क्योंकि इस बीमारी से पीड़ित तो बच्चे इससे ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते और जन्म के 3 से 4 दिनों के अंदर ही मर जाते हैं। लेकिन इस बच्चे ने दुनिया के सभी डॉक्टर की रिसर्च को गलत साबित कर दिया। जब इस बच्चे ने अपने जीवन के पूरे 2 साल पूरे किए तो ये इंटरनेट पर वायरल हो गया और लोगों ने जैक्सन से जुड़े कई हैशटैग चलाए, जैसे स्टे स्ट्रॉन्ग जैक्सन, और दुनिया भर से इस बच्चे को भरपूर प्यार मिला। अब 5 साल की उम्र में आखिर इस बच्चे ने दुनिया को अलविदा कह दिया और जैक्सन की मां ने बताया कि जैक्सन ने शांति से दुनिया को अलविदा कहा है। दोस्तों, इन बच्चों की कहानी हमें यह बताती है कि जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, पर यह हमारे ऊपर होता है कि हम उनसे डरकर हार मान लें या हिम्मत से उनका सामना करें और उन्हें हरा दें। यह हमारी चॉइस होती है, और जब ये बच्चे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। क्या आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं? तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो जरूर कर लें।